तो यहाँ पे मैंने ओपन किया है viralthe.com का एक ब्लॉग, जहाँ की मुझे कमेंट्स करके यहाँ से एक बैकलिंक लेना है। तो मैं यहाँ पे एक पोर्ट बनाता हूँ जिसका नाम मैं रखता हूँ वायरल चिली ऑटोमेशन करके। मैं उसको ट्रेन पे क्लिक करता हूँ और इस यूआरएल को अपने इवेंट्स में सेव करने के लिए मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, इस ब्लॉग पोस्ट के पेजेस को। उसके बाद मैं यहाँ पे नीचे जाता हूँ जहाँ पर मुझे कमेंट्स करने का ऑप्शन मिलता है। मैंने यहाँ पे एक कमेंट पे क्लिक किया, तो मैं यहाँ पे कुछ भी एक कमेंट्स करता हूँ। और कमेंट बैकलिंक बनाते टाइम पर हमें यहाँ पे ऐसा कमेंट्स लिखना होता है जो कि यूज़र फ्रेंडली लगे और स्पैम ना लगे, अदरवाइज जो वेबसाइट्स के अथर या ओनर्स होते हैं वो हमारे बैकलिंक्स को कमेंट्स को अप्रूव नहीं करते। अगर हमारा कमेंट्स अप्रूव नहीं हुआ तो हमें बैकलिंक नहीं मिलता है। मैं यहाँ पे कोई नाम डालता हूँ, तो मेक श्योर कि आप अपना नाम यूज़ कीजिए ताकि आपके जो अप्रूवल के चांस है वो मैक्सिमम रहे। अगर आप यहाँ पे कंपनी या वेबसाइट का नाम यूज़ करोगे तो आपके कमेंट्स को मैं भी शायद अप्रूवल ना मिले। मैंने यहाँ पे ईमेल एंट्री कर दिया है, तो वेबसाइट के लिए मैं यहाँ पर कोई भी एक डेमो वेबसाइट यूज़ करता हूँ, यहाँ पे google.com, और मैंने पोस्ट कमेंट पे क्लिक कर दिया। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया तो हमारे बोर्ड की ट्रेनिंग यहाँ पर ख़त्म होती है और साथ ही साथ हमारा कमेंट्स आपको यहाँ पे शो होने लग गया।